क्या आप लोग के साथ कभी भूत वाला सीन हुआ जिंदगी में? कभी भी मैं बताती हूँ मेरी हकीकत में बारे में। वो 18 साल से 20 साल हो गया, मेरे घर के बाजू में एक घर है, उनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता था। वो हमारा ब्लड रिलेटिव नहीं है, फिर भी उनके साथ अच्छा रिश्ता था। उनकी जो बड़ी बेटी थी उनके साथ हमारा ज़्यादा मतलब जमता था। उनकी शादी हो चुकी थी और उनका 1 साल का और 1.5 साल का एक लड़का होगा, 1 साल या 1.5 साल का होगा उनका लड़का था। वो उनकी बहन वो किसी वजह से वो सुसाइड कर ली थी जहर पी के। तो जब घर में मौत हो जाती है तो सारे रिलेटिव आते हैं। वो उसके मौत में वो दीदी आई थी उनके घर पर, लेकिन उसको ज़्यादा डर था। उनके घर पर वो नहीं रहती थी, वो हमारे घर पर सोती थी, हमारे घर पर खाना खाती थी। एक दिन क्या हुआ, उनका जो डेथ हुई थी वो लड़की, वो उनका उस दिन 9 डेज था। वो हमारे घर पर हम लोग खा पी के सो गए थे। वो दीदी को उनका डर ज़्यादा था। वो बच्चा दीदी एक साइड में सोता था, उसके एक साइड में मेरी बहन सोती थी, उसके पास उसका बच्चा सोता था, बच्चा के पास मैं ही सोती थी। मैं एक हाथ उसके दीदी के ऊपर रखती थी, एक हाथ उसके बच्चे के ऊपर रखती थी। वो बहुत ज़्यादा डरती थी। एक रात क्या हुआ, वो 9 डेज के रात को वो बच्चा को किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई बच्चा को छीन के लेके जा रहा है। मेरा नींद टूट गई, मैं उठ के देखने लगी तो वो बच्चा दीवार के अंदर घुस रहा है, चला जा रहा है। मैं 2 हाथ से उसको पकड़ के उसको खींच रही हूँ मेरी तरफ, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो। वो उसका मासी का नाम ले रहा है और वो बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ऐसे बोल रहा है। और वो ही पता नहीं इतना शक्तिशाली था, वो कोई इसको खींच रहा था। मैं बहुत ताकत लगा रही थी, ज़्यादा चिल्ला रही थी और वो बच्चा को कोई ले कर जा रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस बच्चा को कोई खींच रहा था। वो बच्चा अंदर ही मतलब वो छोटा सा बच्चा था, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा, उसके अंदर इतना शक्ति नहीं होगी, वो मतलब वो खुद ही मुझे इतना ये करके चला जाएगा। कोई उसको खींच के लेके जा रहा था। और उसी टाइम में मैं चिल्लाने लगी, मैं ज़्यादा ज़्यादा शोर करने लगी। वो उस टाइम में क्या लगा, मतलब वो दीवार हमारे ऊपर गिर जाएगा, तूफान आ रहा है, ऐसा आवाज़ हुआ। तो मैं चिल्लाने लगी, मुझे लगा शायद वो भूकंप आया है। मैं घर वालों को जगाने की कोशिश की, मतलब भूकंप आ गया, सब लोग उड़ जाओ, हमको घर से बाहर जाना है, नहीं तो दीवार भर टूट जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। मेरे चिल्लाने से घर के सारे लोग उठ गए, उठ के लाइट ऑन करके हमारे पास आ गए। वो बच्चा क्या किया, वो उसको कोई खींच के लेके जा रहा था। उसका मम्मी वो आके मुझे पकड़, उसको बच्चा को छोड़ो मुझे आके पकड़ के मुझे बचाओ बचाओ, वो बहन का नाम ले रही थी, वो हमको मार देगा, वो हमको ले रहा है। मैं बोले कुछ नहीं होगा, मैं उसको धक्का देके बच्चा को खींच रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे एक ही माइंड में था कि वो ये अर्थक्वेक है, वो भूकंप आया है, हमको किसी भी तरह से हमको घर से बाहर जाना है। लेकिन वो जो दीदी थी हमको जाने नहीं दे रही थी। और मैंने बच्चा को पकड़ने की कोशिश की, फिर इसी टाइम में मेरे घर वाले सब उठ गए और हमारे पास आ गए। मैं आके सब लोग पूछे क्या हुआ, कहा इतना शोर क्यों मचा रहे हो। मैं बोली शायद अर्थक्वेक आ गया, चलो जल्दी से डोर निकालो, ओपन करो, हमको बाहर जाना है, बाहर निकलना है हम सबको। फिर हम बाहर गए, देखा तो कुछ नहीं, फूल शांत है, किधर कुछ भी नहीं है। हमको कुछ वो बच्चा आधा घंटा तक वो नॉर्मल पोज में आने के लिए उसको आधा घंटा लग गया। वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहा, इधर उधर भागने लगा, चलने लगा, कुछ मतलब छोड़ दो मासी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना ऐसे ही बोल रहा था। वो अजब हरकत कर रहा था। फिर सुबह हुआ, हम श्योर नहीं हो पाए रहे थे मतलब क्या हो रहा था उस रात को। सुबह हुआ हमको डाउट हुआ, सबको हम पूछने लगे, मेरे घर वाले सबको पूछने लगे, गांव वाले को, मतलब रात को भूकंप आया था क्या, वो ऐसे ऐसे दीवार हमारे बच्चे बोल रहे हैं। उसी टाइम में मेरी बहन भी उठ गई थी, उसको भी ऐसा ही लगा था, मतलब दीवार हमारे ऊपर गिरने वाला है, वो भूकंप का मतलब आता है ना, जैसा जोर से हवा का आवाज़ आता है, ऐसे ही उसको भी लगा था, वो दीदी को भी लगा था, हम तीनों को एक ही साथ में ऐसे ही लगा था। फिर सब लोग को जाकर पूछने लगे, सब लोग बोले सब कुछ तो नॉर्मल है, किधर भी कुछ भी नहीं, न्यूज़ में भी कुछ भी नहीं आया, तुमको अकेले तुम्हारे घर पर हुआ था क्या भूकंप, ऐसे सब बोल के मतलब मजाक करने लगे। आज तक मेरी वो रात तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। सेकेंड डे जब हम श्योर हो गए मतलब वो भूकंप नहीं था, तो हमको थोड़ा डर लगने लगा, मतलब वो क्या था वो रात को, वो मेरी समझ के बाहर है। वो पता नहीं वो भूत थी, उसकी बहन की या जो आत्मा थी वो, या मुझे कुछ ऐसे ही मैसेज हो रही थी, वो क्या थी मुझे कोई आइडिया नहीं। आप लोग थोड़ा सोचिए वो क्या होता होगा।